हेलो गाइस, मैं हूं विवेक शर्मा और आज मैं लेके आया हूं एक और वीडियो, वो भी चैनल पे अपनी मामी की जिनका नाम है कायाकृति। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस प्यारे से फ़ोन की जिसका नाम है Realme 5S, जो एक न्यूली फ़ोन है लॉन्च हुआ इन नवंबर। तो लेट्स सी, अनबॉक्स करके देखते हैं कि फ़ोन एक्चुअल में कैसा है। इस फ़ोन को एक्चुअली हम ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर चुके हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। हम देखना चाहते थे कि वाकई इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है या नहीं अंदर, तो देख तो लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि फ़ोन एक्चुअल में अंदर से कैसा है। तो ये फ़ोन खोला, ऐसे फ़ोन खोले जाते हैं आजकल सारे के सारे, इसका रखते हैं साइड में, देखते हैं क्या है। ये है इसका फ़ोन कवर, ये एक ट्रांसपेरेंट फ़ोन कवर है, बहुत एलिगेंट डिज़ाइन है, वेरी सिंपल, बहुत अच्छा है। इसको रखते हैं साइड में, जो हमारे काम की नहीं है। उसके बाद आते हैं मेन फ़ोन की तरफ, इसके ऊपर लगते हैं साइड में, फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ये इसके कुछ स्मार्ट गाइड हैं जो कि कोई पढ़ता है नहीं, इनको भी रखो साइड में। तो ये है एक प्यारा सा चार्जर जो कि टाइप सी तो नहीं है, ना ही ये फास्ट चार्जिंग है, बट चार्ज कर लेता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि 5000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी है, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। बेशक टाइप सी या फिर फास्ट चार्जिंग इस पर ना हो, लेकिन चलता बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो इन सब चीज़ को रखते हैं साइड में और मेन चीज़ की तरफ आते हैं, जो है ये प्यारा सा फ़ोन जो कि हमने लिया है क्रिस्टल पर्पल कलर। सी, इट इज़ क्रिस्टल पर्पल कलर। इसमें तीन कलर आते हैं, एक क्रिस्टल रेड, क्रिस्टल ब्लू एंड देन क्रिस्टल पर्पल। फ़ोन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि फ़ोन कैसा चलता है, और इसके बाद हम जानेंगे फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ़ोन हो चुका है ऑन, काफ़ी स्मूथ टच है इसका। पीछे इसके ये दी गई है लॉक स्क्रीन, फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन, क्वाड कैमरा है इसका। फ्रंट में हल्का सा नॉच दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा नॉच दिया गया है, देखिए। और देखते हैं कि इसमें कितने सिम लगा सकते हैं। तो इसके साथ एक एक्सेसरी मिली होगी हमें, यस हियर इट इज़, सिम इजेक्टर टूल। तो ये बहुत अच्छी बात है, देखिए इसमें हम दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड, तीन चीज़ लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक सिम के साथ सिर्फ एक मेमोरी कार्ड ही लगा सकते हैं एट अ टाइम। दो सिम लगाइए, एक मेमोरी कार्ड लगाइए, यू कैन ईजली यूज़ दिस। तो फ़ोन को रखते हैं साइड में और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके कैमरा के कुछ सैम्पल शॉट्स भी दिखा दूंगा कि फ़ोन कैसे फ़ोटोज़ लेता है। तो जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, फ़ोन को रखते हैं हल्का साइड में। तो बात करते हैं इस मॉडल की। मॉडल जो है यह है Realme का 5S, जो कि लॉन्च हुआ था लेटेस्ट नवंबर 2019 में। इसकी जो MRP है, MRP दी गई है 12,999 रुपीस की, लेकिन ऑफलाइन स्टोर्स में ये इजीली अवेलेबल है 10,500 में। बट अगर आप ऑनलाइन ट्राई करें तो आपको थोड़ा सा और ये कम प्राइस में मिल सकता है, जो कि हमें पड़ा है 9,999 रुपीस का। फ़ोन बहुत ही लाइट वेट है, नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि इसका जो वेट है वो है ओनली 198 ग्राम, जो कि काफ़ी रीज़नेबल। अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको इतना हैवी फील नहीं होगा। फ़ोन दिखने में तो लगता है कि काफ़ी अच्छा है, वाकई में है भी, लेकिन जो इसका कवर है, ये जो ग्लास है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। लेकिन अगर आप फ़ोन हाथ में लेंगे तो आपको लगेगा कि हल्का सा इसमें जो मेटल वाली फील दी गई है, लेकिन ये एक्चुअल में प्लास्टिक का बना हुआ है। और ये आपका एंड्रॉयड 9.0 पे बेस्ड है, और इसमें जो स्नैपड्रैगन आता है वो 665 का प्रोसेसर है, और CPU जो है इसका ऑक्टा कोर है। जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का साइज़ आपका है 6.5 इंच की, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। अगर बात करें डिस्प्ले की, तो ये आपका फुल HD तो नहीं, बट HD डिस्प्ले के साथ आता है। और कैमरे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के दिनों में है, वो है कैमरा। कैमरा की बात करें तो इसका प्राइमरी कैमरा है वो क्वाड कैमरा है, जिसमें आपको चार कैमरास दिए जाएंगे, जिसमें से जो फर्स्ट मोस्ट कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का विद 1.8 अपर्चर के साथ, जो कि बहुत एक सबसे बड़ी हाईलाइट चीज़ इस फ़ोन की है, 48 मेगापिक्सल इसका ये रियर कैमरा। अब बात करते हैं उसके बाद सेकंड कैमरे की,
जो है 8 मेगापिक्सल विद 2.2 अपर्चर के साथ, जो कि यूज़ होता है अल्ट्रा वाइड के लिए। अगर आप कोई भी शॉट्स वाइड एंगल में लेने हैं, सारी चीज़ें एरिया को कवर करके, तो आप इस कैमरे का यूज़ करेंगे सेकेंड वाले कैमरे का। और थर्ड कैमरे पे आए तो यह है 2 मेगापिक्सल का कैमरा विद 2.4 अपर्चर के साथ, जो कि मैक्रो शॉट्स के लिए ली जाती है। अगर आपको कोई भी क्लोज शॉट्स पिक्चर्स लेनी है तो आप इस थर्ड कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 मेगापिक्सल विद 2.4 अपर्चर विद डेप्थ। अगर आपको डेप्थ में पीछे बोके इफेक्ट के साथ देना है तो यू कैन यूज़ दिस फोर्थ कैमरा। और दूसरी चीज़ इसका फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये आता है 13 मेगापिक्सल के साथ विद 2.0 अपर्चर के साथ, जिसमें आप रिकॉर्ड फ्रंट में तो आप सिर्फ HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो शूट। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी कैमरा की और इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मैं आपको बता दूं आप इससे 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई इस रीजनेबल फ़ोन के साथ, जो ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। कलर इसमें 3 कलर अवेलेबल हैं, क्रिस्टल ब्लू, क्रिस्टल रेड एंड पर्पल। और मैं बात करूं वेरिएंट कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो इसमें सिर्फ ये 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं जो हमारे पास है। ये वेरिएंट है 4GB विद 64GB, और जो सेकंड वेरिएंट है इसका वो आता है 4GB विद 128GB के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए, और हमें बताइए कि फ़ोन एक्चुअल में कैसा है इन द कमेंट बॉक्स। बाय।